तो ही गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज का मौसम इतना ऑसम है ना, बिलीव मी। क्या आज मेरा एक्चुअली मन कर रहा है कि मैं हॉटपॉट बनाऊं। कोरियन स्टाइल में भी बना सकते हैं, चाइनीज स्टाइल में बना सकते हैं, थाई स्टाइल में भी बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन से स्टाइल में बनाना है। सिंपल सिर्फ एक है कि वेज बनाना है या नॉन वेज बनाना है या सी फूड में बनाना है। लाइक सी फूड में भी हॉटपॉट है, चिकन में भी है, मटन में भी है, लाइक एवरीथिंग चॉइस इज योर्स। तो मैंने सोचा कि मैं आज बनाती हूँ, बहुत अच्छा है मौसम। बट इट वॉज माई बैड लक कि मुझे कोयला नहीं मिला, तो आई थॉट कि इट्स ओके, फिर कभी कोयले का यूज करेंगे। बट आज गैस पे बनाते हैं, तो चलते हैं। और क्या, गैस पर बनाते हैं। बट उससे पहले हम करते हैं चिकन स्टू, यानी कि चिकन सूप बना के रेडी करते हैं, यानी कि चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक नहीं अगर बनेगा तो बिल्कुल हॉटपॉट नहीं बनेगा। तो चलिए चलते हैं, चिकन का स्टॉक बना के लेते हैं। तो चलिए मैं जरा कपड़े चेंज करके लेती हूँ। चलिए, तो ये देखिए, चिकन स्टॉक के लिए मैंने डेगची चढ़ा दिया है, थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल दिया है। और ये है स्टॉक, चिकन स्टॉक के लिए इंग्रेडिएंट्स: अदरक, लहसुन, प्याज, कैरेट, टमाटो, बी लीव। एंड ये मेरे पास था चिकन स्टॉक के लिए, चिकन स्टू आई हैव, मेरे पास है इसलिए मैं यूज कर रही हूँ। एंड कैरेट, बीन्स, स्टार एनीस, ब्लैक पेपर, सिनेमन एंड बे लीव, ब्लैक पेपर पाउडर एंड लेमन। सॉल्ट ऑब्वियसली पड़ेगा अपने टेस्ट के हिसाब से। चिकन मैंने ऑलरेडी निकाल दिया था, मैंने धो के फ्रीजर में रख दिया था, पर अभी मैंने बाहर निकाल दिया, उसको पानी में डाल दिया है। चिकन स्टॉक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि चिकन स्टॉक सब, मतलब नॉर्मली लोग बहुत हल्के फुल्के से ऐसे ही बना लेते चिकन स्टॉक, बट चिकन स्टॉक अगर आपका अच्छा हो ना तो आपका हॉट पॉट बहुत 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 अच्छा बनता है, बिलीव मी। चिकन स्टॉक के लिए चिकन स्टू, बीन्स, टमाटो, फिलहाल इसे इतना पकाऊंगी मतलब कि सारी चीजें ना सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए टमाटो एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी चिकन। ये चिकन एक्चुअली इतना हार्ड है, बट एनीवे तो मुझको स्टॉक ही बनाना है तो हो जाएगा। एक चम्मच सॉल्ट डालूंगी मैं, स्टॉक में सॉल्ट होता है इसीलिए जब आप हॉटपॉट वगैरह बनाओ तो उसको एक बार टेस्ट करना, ना भूलें कि आपके स्टॉक में ऑलरेडी सॉल्ट है, तो आप सॉल्ट थोड़ा सा कम यूज करिएगा, क्योंकि वैसे भी हॉटपॉट में सॉल्ट नहीं पड़ता, जस्ट बिकॉज सोया सॉस ये वो हर चीज में नमक होता है, तो आपके टेस्ट के हिसाब से आपको जैसा ठीक लगे। अब मैं इसमें डालूंगी पानी पूरा एक जग भर के। ओके, तो मैंने पूरा ये एक जग भर के पानी डाला है, पूरा ये भर चुका है। मैं अब इसमें मैं डालूंगी ब्लैक पेपर, लेमन, अब इसको इतना पकाऊंगी कि चिकन मतलब एकदम जैसे एकदम समझो कि पिघल ही जाए। और ये चिकन मैं वेस्ट नहीं करूंगी, ये चिकन को भी मैं यूज करूंगी अपने हॉट पॉट में। सब मैं रेडी कर लूंगी, शाम को सुकून से बैठ के बनाऊंगी। एंड यस, मैं हॉटपॉट बनाने वाली थी मेरे मिट्टी के चूल्हे में, बट इट वॉज माई बैड लक कि मुझे यहाँ कोयला नहीं मिला, तो मैं बनाऊंगी इसी में। बट मेरे पास मैजिक कोयल और छोटा मोटे ऐसे चारकोल है, तो वो मैं लाइक इसमें बनाऊंगी। बट जब मुझे पीना होगा तो ऑब्वियसली आई यूज दिस
आई यूज दिस बिकॉज इसमें जो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें हम चारकोल रख सकते हैं, तो बनाऊंगी मैं इसी गैस पर, बट मैं उसको ऐसे मोबाइल वगैरह देखते हुए यू नो वैसा हम बैठ सकते टेबल पर, तो यस आई यूज दिस। तो इसे मैं छोड़ दूंगी अब ताकि ये अब अपना पकता रहे और अपना काम करते रहे। तो चलिए जब तक मैं हॉटपॉट का जितना भी मैंने बहुत सारी चीजें अभी ऑनलाइन से मंगवाया भी है तो सारी चीजें यू क्या बोलते हैं रेडी करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ जब तक ये स्टॉक पकता है। तो आप देख सकते हैं मेरा चिकन स्टॉक बनके रेडी हो चुका है, ये देखिए ऑयल पूरा ऊपर आ चुका है और जितना मैंने भर के डाला था उतना ही स्टॉक मेरा बनके रेडी हो गया है। तो बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने रेडी कर लिया है हॉटपॉट के लिए, वेजीज एंड चिकन प्रॉन्स व्हाटएवर इट इज जो भी है बहुत सारे हैं, मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगी, बट उससे पहले हम बनाते हैं इसका डिपिंग सॉस। तो इसके डिपिंग सॉस के लिए चाहिए ग्रीन अनियन, चॉप किया हुआ लहसुन, सॉरी रेड चिली, ये बहुत तीखी होती है इसीलिए मैंने बहुत थोड़ा सा लिया बिकॉज इतना तीखा मैं खा नहीं पाऊंगी, बहुत ज्यादा तीखी होती है ये, हद से ज्यादा होता है थोड़ा भी नहीं। और ये डार्क सोया सॉस, डार्क सोया सॉस मैंने डाल दिया है। अब है ओस्टर सॉस, ये है ओस्टर सॉस, तो ये थोड़ा सा लूंगी मैं ज्यादा नहीं। ये ओस्टर सॉस है, मैं ये थोड़ा सा लूंगी ज्यादा नहीं क्योंकि थोड़ा सा स्वीटनेस टाइप है, बस इतना सा। ओके विनेगर, मेरे पास तिल का तेल एक्चुअली खत्म हो गया तो आई यूज ऑलिव ऑयल। ओके इसको बैलेंस करने के लिए इसमें जाएगा थोड़ा सा शुगर, बहुत थोड़ा सा ज्यादा नहीं बिकॉज मैं ज्यादा मीठा मीठा इतना भी मीठा नहीं खाती हूँ, थोड़ा इट मीन्स लाइक बैलेंस करने के लिए वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके ये हो गया है एंड यस सेसमी सीड्स तिल, तो ये हो गया है रेडी। यानी कि जब और भी है, अभी ये एक मैंने रेडी किया है, बाकी का मेरे पास रेडीमेड है, चिली सॉस है, हॉट एंड सॉसेस बहुत है मेरे पास, डिप के लिए बहुत सारे सॉसेस है बट ये मेन होता है उनका। आप देख लाइक कोरियन फूड में आपने देखा होगा हमेशा उनका एक जो वो लोग खुद घर में बनाते हैं, तो ये इसको यही है। तो आई चेक ठीक है, मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम बनाया, मैंने ये वाला सॉस कभी खाया ही नहीं था बिकॉज नॉर्मली जो घर में होता है वही टेस्ट तो करी बट मुझे गार्लिक गार्लिक का टेस्ट आ रहा है इसमें, मतलब ऑयल एंड गार्लिक। सी दिस, तो चलिए मेरा सॉस तो बन के रेडी हो चुका है, बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं दिखाती हूँ। ये सब कचरा हटाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे पसारे हो चुके हैं तो मैं उसके बाद ये सब साफ करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने बड़े कटोरी से इसको एक्चुअली छोटे से कटोरी में निकाल लिया है, यू कैन कॉल लाइक थाई सॉस जो एग्जैक्टली बनता है कोरियन का जो सॉस घर का होता है, तो या दिस इज थाई सॉस। तो चलिए मेरा डिप सॉस भी बन चुका है, स्टॉक बन चुका है, बाकी सब रेडी हो चुका है, सिर्फ मैं एक चीज के लिए रुक गई हूँ एक्चुअली, मेरे को मीट बॉल ऑनलाइन नहीं मिला तो मेरे पास चिकन वगैरह था घर पर, तो मैं चिकन से चिकन बॉल बनाऊंगी घर पे, लाइक मीट बॉल काइंड सेम लाइक काइंड ऑफ मीट बॉल टाइप्स। तो यह सब रेडी हो चुका है, सिर्फ चिकन का एक बॉल बना दूं मैं, उसके बाद मैं आपको सारे
मेन बेस जो है वो दिखाऊंगी, तो जब तक थोड़ा बहुत और यहाँ से सफाई फाई कर लेते हो। चलिए सारा काम हो चुका है और ये है मेरे वेजेस और ये है मेरे नॉन नॉन वेज वाला। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, लेटस है मेरे पास। लेटस आपको सबको पता होगा लेटस बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी एक लेटस है। सैलेड पत्ता, मशरूम, ब्रोकली एंड ग्रीन अनियन, कॉर्न, रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम एंड कैरेट, एंड ये है पाक चॉय चाइनीज। एक्चुअली अब पालक जैसा नहीं, सेम पालक जैसा होता है ये पाक चॉय। अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो लाइट ले लेना, हो जाता है कभी कभार। और या मेरे को मीट बॉल एक्चुअली ऑनलाइन एक्चुअली आउट ऑफ स्टॉक था तो मैंने खुद बना लिया। ये चिकन बॉल्स है एंड ये टोफू है बिकॉज मैं प्रॉन्स ऐड कर रही हूँ, तो आई नेवर आई एम नॉट गोइंग टू ऐड पनीर बिकॉज पनीर दूध का होता है, तो या मैं नहीं यूज करूंगी पनीर। तो आई यूज टोफू एंड या चिकन मोमो एंड चिकन सॉस, चिकन स्पाइसी सॉसेस है। इसमें बहुत सारे फ्लेवर थे, पेरी पेरी भी था, बहुत सारे थे, बट आई यूज दिस। तो फाइन ये सारी चीजें हो चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं ये मेरा नॉन वेज थाली एंड दिस इज माई वेज थाली। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बिकॉज बहुत लेट हो गया, एक्चुअली बहुत लेट हो गया, मेरे बेटे को भी लग रही है भूख, तो या फटाफट रेडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैंने आप लास्ट टाइम भी बोला था, मैंने कि मेरे को तो बहुत सारी शॉपिंग वॉपिंग करना है, कढ़ाई लेनी है, ये सारी चीजें लेना है, बट यू नो टाइम नहीं मिल रहा है। तो खैर एनीवेज क्या कर सकते हैं। तो आई यूज ऑलिव ऑयल बिकॉज मेरे पास सेसमी ऑयल खत्म हो चुका है। चलता है वैसे, थोड़ा बहुत तो है, इतना चलता है। ओके तो मैंने थोड़ा सा गार्लिक और चिली ले लिया बिकॉज ये बहुत तीखी होती है। मैं डर रही हूँ कि मैं यूज करूँ या नहीं करूँ, अगर ज्यादा तीखा हो गया तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी इसको नहीं खाने वाले। वो ऑलरेडी मुझे पहले ही फोन पे उन्होंने बोल दिया कि तीखा नहीं बनाना है, ना आई टोल्ड हिम के नहीं तीखा नहीं बनाऊंगी मैं बिल्कुल भी। तो चलिए कोई नहीं, ऑप्शन नहीं है बट थोड़ा बहुत चलता है। इट्स एरोमा है ना, एरोमा वाला अभी फीलिंग आ रहा है मुझको थोड़ा। ओके मैं ऑनियन डालना भूल गई थी, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे स्टॉक में ऑलरेडी ऑनियन है और मेरा गार्लिक भी अच्छा सा ब्राउन हो चुका है। वेजिटेबल्स मुझे इसमें मतलब इतना हार्डली नहीं डालना, बट जो मेन चीज है वो डालूंगी जिसमें लाइक कैरेट। एक्चुअली जल्दी नहीं होता, थोड़ा सा हार्ड उसका प्रोसीज होता है, तो या थोड़ा सा ये सब सिर्फ हल्का सा सॉटे करना है, उसको ज्यादा नहीं, कलर खराब नहीं करना है उसको। एक्चुअली वेजिटेबल्स का वेजिटेबल सारे में उसको क्रंची रखना है, यानी कि समझ लीजिए कि इंडियन स्टाइल हॉटपॉट बना रही हूँ, बट आई नो कि ये आया तो कोरिया और चाइना से ही है, बट हम अपने स्टाइल से भी इसे बना सकते हैं, ऐसा नहीं है जरूरी कि मतलब बस उन्हीं के ही सारे इंग्रेडिएंट है, नहीं। हाँ एक चीज है जो मैं डेफिनेटली इसमें डालूंगी लाइक ब्लैक पेपर, और एक है ये मैंने एक्चुअली ऑनलाइन से मंगाया था, ये भी एक्चुअली जो कोरियन लोग रेड चिली पाउडर यूज करते हैं, तो एक्चुअली ये उसी का बेस है। तो या मैं ये थोड़ा सा ऐड करूंगी, बट नॉट नाउ, आफ्टर जब मैं इसमें सूप ऐड करूंगी तब। तो या दिस इज द टाइम टू एडिंग माय सूप बिस्मिल्लाह, और मैं इसको अभी गैस को फास्ट कर दूंगी। ओ मेरी माँ मैं थोड़ा थोड़ा गिर गया। आ या मैंने एक चीज और नहीं बताया आपको कि मैं इसमें ये वाला डालने वाली हूँ, हॉट एंड स्पाइसी, सॉरी हॉट एंड स्पाइसी कोरियन चिकन फ्लेवर वाला नूडल्स है, मैगी आप जो भी बोलो। तो या आई यूज दिस, तो यार मेरी बेटियां बैठे बैठे बहुत ज्यादा तोड़फोड़ थोड़फोड़ मचा रखी है, तो यस ऑफ कोर्स आई यूज
दिस वही एक्चुअली मैं वही यूज करूंगी। और हाँ थोड़ा सा मैं इसमें यूज करने वाली हूँ विनेगर, जो एक्चुअली मैंने भी सारा इंग्रेडिएंट्स निकाला नहीं है, बहुत मगजमारी होती है यार निकाल के रखो फिर। क्या सब यहाँ भी जमा कर दूंगी ना, पूरा किचन भर जाएगा, इसीलिए आया था कि सब स्लो स्लो डालती हूँ, आपको भी बताते रहूंगी। ये एक ढक्कन मैंने विनेगर यूज किया बिकॉज मैंने लेमन ऑलरेडी यूज किया है स्टॉक में, तो मैं ज्यादा नहीं डालूंगी। सोया सॉस थोड़ा सा, ये मेरे साथ पता है कल से हो रहा है, मैं कोई भी चीज यूज कर रही हूँ मेरे हाथ से ना गिर जा रहा लिटरली। बिरयानी बनाते वक्त भी कसम से मैंने जो कढ़ाई में तेल मतलब तला था प्याज, वो कढ़ाई अचानक में बाद में ऐसी गिरी ना पूरा तेल पलट गया उसमें से। और हाँ मैंने इसमें ऑलरेडी एक स्पून नमक डाला है, तो मैं अभी नहीं डालूंगी, मैं पहले चेक करूंगी कि मतलब इसमें एग्जैक्टली सॉल्ट है नहीं है, मालूम पड़ा कि सब डालने के बाद बहुत ज्यादा ना हो जाए, या एकदम परफेक्ट है सॉल्ट। अभी इसको ना पूरा बॉईल होने देते, जब ये एकदम बॉईल हो जाएगा तब सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे, तो वेट करते हैं इसको बॉईल होने के लिए। तो ये देखिए ये बॉईल होने लगा है, ओके तो इसे मैं एक्चुअली जो ऐसी ऐसी चीजें हैं पहले वो डाल दूंगी ताकि वो पक जाए, प्रॉन्स पकने के लिए भी थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं ये सब वन साइडेड डालती हूँ। चिकन मोमोज ये सब नीचे जाएंगे ताकि इसके ऊपर वेज आ जाए, जस्ट बिकॉज ये थोड़ा टाइम लेगा पकने के लिए। चिकन सॉसेज, ओके चिकन बॉल्स, मायू का कर रहा है माँ, ये मेरी बेटी मेरे पैर के पास खड़ी है, कुछ ना कुछ करती रहती है। चलिए अब बारी है टोफू की। टोफू, हाय मेरे टोफू, अब इतना मेहनत करके डाल तो दूंगी पर सब तो मिक्स हो जाएगा, मतलब क्या है बताओ, मतलब है कोई नहीं है। ओके नाउ आई एम एडिंग कॉर्न, कॉर्न मेरे बेटे को बहुत ज्यादा पसंद है, बिलीव मी भाई शाह। मशरूम, ब्रोकली, लेटस, साइड में ही डालूंगी ये, आई होप कि बाहर ना आ जाए। एंड यस पाक चॉय, बट आई थॉट कि पाक चॉय में पूरा नहीं डालूं बिकॉज बहुत ज्यादा हो जाएगा हरा हरा, तो ओके पाक चॉय में ज्यादा नहीं डालूंगी, मैं दो तीन रख दूंगी एक्चुअली। ये मैंने उसका एक्चुअली ना सिर्फ यही लिया हुआ है, बाकी के वो उसके अंदर है ना मेरे को दो सॉस और एक पता नहीं क्या है, बहुत स्पाइसी लग रहा था तो मैंने वो नहीं डाला। तो चलिए अभी इतना तो हो गया है, अब बारी है यू नो कोरियन रेड चिली पाउडर। और बाय द वे ये तीखा नहीं होता, ये एक्चुअली तीखा नहीं होता, ये सिर्फ आप देख सकते हो जो हम कोरियंस का यू नो जो थोड़ा सा टेक्सचर आ जाता है बस के लुक लाइक, तो बस ये वही है, इससे ज्यादा ये एक्चुअली मेरे को तो ना जिस दिन ये आया ना मैं मेरी मम्मी को टेस्ट कराई और मेरे को ऐसा लगा अगर इसमें थोड़ा सा सेंग वाला टेस्ट है, जैसे हम सेंग का ठेसा बोलो जो एकदम सूखा सूखा होता है, मेरे को वैसा वाला टेक्सचर आ रहा था इसमें। तो ओके मैंने पाचवा रख दिया, मैंने ग्रीन अनियन अभी डाला नहीं है इसमें जस्ट बिकॉज मैं बीच में डालूंगी इसमें एक एग ऐसे ही, इसको अभी फिलहाल बिल्कुल भी स्टर नहीं करूंगी। एक ये हो गया है, दो डालूंगी एक्चुअली,
थोड़ा बहुत अपना पर्सनल होना चाहिए, उन्हीं का अगर पूरा करेंगे तो फिर मतलब क्या है। तो मैंने फास्ट कर दिया है इसको ताकि पानी जो और थोड़ा सा हीट करे, और ऑब्वियसली इसके बगैर तो कुछ भी कंप्लीट नहीं होना है। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबको बताइए क्या है। कोरियन का खाना हजम नहीं होता है अब तिल के बगैर, तो ऑफकोर्स तिल 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 दिल दिल दिल। तो ओके, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं ताकि ये थोड़ा पके। जैसे मैं अगर अभी इसको ये एक दो मिनट के लिए इसको ऐसे ढकती हूँ ताकि ये भाप में थोड़ा सा पके। तो ये देखिए, एक्चुअली ये ना पूरा एकदम बॉइल होने लगा था, मैंने खोल दिया उसको, थोड़ा स्लो कर दिया। तो यस, देख सकते हैं आप, ये बॉइल हो रहा है। तो यस, मैं भी एक्चुअली सोच रही थी इसको हिलाऊं, बट आई थॉट कि नहीं, थोड़ा और वेट करते हैं क्योंकि ये एक्चुअली बीच में है एग। मैं भी अगर स्टर कर दूंगी ना तो मेरा एग एक्चुअली पूरा खुल ना जाए क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है। इसके लिए अभी मैं नहीं करूंगी कुछ, इसको थोड़ा और एक्चुअली सब पकने दूंगी। इसको मैं एक्चुअली अब स्लो पर ही रखूंगी, अब ये बन नहीं हुआ, कम से कम 20 to 30 मिनट पकड़ लीजिए, 30 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही रखूंगी, बिल्कुल भी इसको मतलब कहीं से भी कुछ नहीं, सिर्फ चम्मच से इसको थोड़ा सा ऐसे अंदर अंदर ऐसे पुश करूंगी, जैसे बिकॉज मालूम पड़ गया, मालूम पड़ा मैंने हिला दिया पूरा खराब हो जाएगा। आई नो कि वो वैसे भी खराब होने वाला, बट आई सी दिस, मैं बस इसको बस ऐसे ऐसे यू नो हल्का हल्का ऐसे करूंगी, बिकॉज इतना मस्त दिख रहा था कि मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा इसको ऐसे ऐसे करके यू नो खराब कर दूं। आप भी देखिए, आई लव। मैंने ना बताया इससे पहले भी, जब मैं मुमरा में थी ना, मैंने ये बनाया था, बट मैंने वहां पर मटन डाला था एक्चुअली, बट मेरे पास एक्चुअली मटन नहीं है, मुझे मटन नहीं मिला, तो फाइन होता है कभी कभी, चलता है। तो या ये एक्चुअली अभी तक हुआ नहीं है एग्जैक्टली, ये भी थोड़ा सा कच्चा ही है। इसको ये ना 30 मिनट तक ऐसी स्लो में पकते पकते पकते, बिलीव मी, बहुत बहुत, क्योंकि ये जितना जो भी आपको दिख रहा है ना, इन सब के अंदर ये सूप घुस जाएगा, और इतना टेस्टी लगता है ना, बाय गॉड, खाने में बहुत मजा आता है। तो चलिए, इसको मैं स्लो पे छोड़ देती हूँ, और जब मैं सर्व करूंगी तब आपको दिखाऊंगी। जब तक मैं थोड़ा सा और काम वाम करके लेती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं जब सर्व करूंगी तब आपको बताऊंगी। फाइनली मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है, तो ठीक है, आप थोड़ा और हमारे साथ जुड़े रहिए। जब मैं इसको सर्व करूंगी आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी कि कैसा यू नो पकने के बाद ये कैसा लगता है। ओके, तो मैंने इसमें ब्लैक पेपर नहीं डाला है क्योंकि मेरे को ऐसा डाउट हो रहा कि बहुत ज्यादा तीखा ना हो जाए, बट नहीं होगा इतना, तो आई थिंक मेरे को थोड़ा सा डाल देना चाहिए ब्लैक पेपर, थोड़ा सा डालती हूँ फॉर द टेस्ट। ओके, नाउ इट्स डन। सॉल्ट की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मेरा मेरा जो स्टॉक था ना एक्चुअली परफेक्टली था, अगर मैं अब इसमें सॉल्ट डालू ना तो समझ लो पूरा खराब हो जाना है इसने। ये देखिए, टोफू एक्चुअली पक चुका है इसमें, मतलब पूरे सूप घुस चुके हैं, इसलिए देखिए टोफू ऑटोमेटिकली ऊपर आ रहा है, और जैसे जैसे ये पक जाएंगे ना, ये देखिए अब ये ऐसे ऐसे ऊपर आते रहेंगे, ये चिकन सॉसेज है ये ऊपर आ चुका है, यू कैन सी, ये देखिए मोमोज भी ऊपर आ रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, ये देखिए जैसे जैसे ये पकते जाएंगे ना, ये ऑटोमेटिकली ऊपर आते जाएंगे। ये देखिए, ये मोमोज एक्चुअली जब डाली थी इतना छोटा था, अभी ये कितना बड़ा दिख रहा है। ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। अब देख सकते हैं, ये देखिए साइड साइड से ना सब ऊपर आ रहे हैं एक्चुअली, यानी कि या कि मतलब उसके अंदर जैसे सूप घुस चुका है, टोफू ऊपर आ चुका है, सिर्फ प्रॉन्स मुझे अभी तक कहीं दिखा नहीं, बिकॉज प्रॉन्स अभी तक ऊपर नहीं आए, यानी कि प्रॉन्स अभी तक नहीं पका है, जबकि प्रॉन्स हल्का सा भाप भी लगता है तो पक जाता है, बट ये उतने छोटे नहीं थे, थोड़ा बड़ा था। तो ओके, इसको छोड़ देते हैं और 25-30 मिनट पर स्लो में अब छोड़ देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं जब एग्जैक्टली ये पक जाएगा ना तब। तो चलिए, मेरा हो गया है रेडी, मैंने इसको निकाल लिया है प्लेट में, एक्चुअली प्लेट में नहीं है, एक्चुअली मैंने लिया था डीमार्ट से। तो यस, देख सकते हैं आप, टोफू
और लाइक जो भी था इंग्रेडिएंट सब इसी में ही है। और यस ये वो वाला थाई सॉस जो मैंने खुद बनाया था। तो ये देखिए दिस इज हॉट पॉट। आप इसको नॉन वेज भी मतलब लाइक नॉन वेज हॉट पॉट बोलो या जो भी, इट्स अप टू यू। खाली अगर आप प्रॉन्स और ये क्या ये या सॉसेजेस एंड जो भी मैंने चिकन के डाले अगर वो नहीं डाल के आप खाली वेज का भी बनाते हो तो ये नॉर्मली वेज हॉट पॉट हो जाएगा। तो मुझे बिल्कुल बताइएगा कमेंट में कि कैसा बना है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बट उससे पहले एक और चीज वो है ये, एक्चुअली मेरे को मोमोज के साथ आया था, चट मोमोज की चटनी है। तो खैर एनीवेज, तो जो भी है जैसा भी है, चलिए मैंने तो बना लिया, अब आपकी बारी है। आप भी बनाइए और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। बहुत सिंपल था, ज्यादा मेहनत नहीं लगी, सिर्फ इतना है कि कुछ कुछ चीजें हैं जो अगर आप खाते हैं तो ऐड कीजिए, नहीं खाते हैं तो ना ऐड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं कोई अच्छे से फिर से एक अच्छे से रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।